हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। कोरोना वायरस लेटेस्ट अपडेट। इंडिया में दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ में मिले मरीज। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके दुआ भी कीजिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। 70 देशों के लगभग 92,000 लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ, तेलंगाना में मिले मरीज। यह खौफनाक वायरस अब तक 3200 लोगों की जान ले चुका है। हालांकि 50,000 लोगों को कोरोना संक्रमण से राहत भी मिली है। पूरे विश्व में कोरोना के संक्रमण से प्रभावित लोगों में से अब तक 50,000 लोगों को इससे मुक्ति दिलाई गई है। घातक कोरोना वायरस के प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने संक्रमण को रोकने के लिए 1,50,00,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता की पेशकश की है। इस धनराशि का इस्तेमाल विशेष रूप से कमजोर देशों में किया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस के कुल 28 मामले सामने आए हैं। इनमें से 12 भारतीय और 16 विदेशी शामिल है। 12 भारतीयों में से 3 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। बाकी 9 मरीजों में दिल्ली, तेलंगाना और जयपुर में एक एक शामिल है। वहीं आगरा में एक ही परिवार के 6 मरीज मिले हैं, जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस को लेकर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।